मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। इसमें हमारा जो सीरीज चल रहा है कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, उसके संदर्भ में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ बात करूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छी तरह से देखिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये कहता है डॉक्टर ड्रमस्टेलर कैंट का कि एमोलिरेशन कम्स फास्ट एग्रावेशन आफ्टरवर्ड्स। मतलब जब हम पहली दवाई किसी पेशेंट को देते हैं तो पहले उसको अच्छा लगता है, उसकी जो बीमारी का सिम्टम में आराम मिलता है, फिर उसके बाद एग्रावेशन होता है, वो बढ़ता ही जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई रेनल फेल्यूर के केसेस हो, यूरिया क्रिएटिनिन का जो हाई लेवल होता है, रेनल फेल्यूर बोलते हैं उसको, किडनी फेल्यूर के केसेस में, वहाँ पर अगर हम कोई बेस्ट रेमेडी या फिर लोअर पोटेंसी में सिलेक्शन करके देते हैं तो उसको अच्छा लगता है, सिम्टम जो जो उसके प्रॉब्लम में आराम मिलता है। लेकिन आप अगर रिपोर्ट करने जाओ तो उसका क्रिएटिनिन लेवल पे कम नहीं होता, यूरिया लेवल पे कमी नहीं आती, लेकिन पेशेंट बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगता है, लंबे समय तक आप दवा देंगे तो कुछ ही दिनों में उसका फिर कंडीशन जैसे का तैसा हो जाता है। ठीक उसी तरह किसी को अगर कार्टिलेज डैमेज हुआ है, आर्थराइटिस जो क्रॉनिक स्टेज में घुटनों का या फिर किसी भी जॉइंट का, अगर जो बीच का जो कार्टिलेज है वो नष्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर आप शुरुआती दौर में केस्टेकिंग करके उसको दवा देंगे तो वो थोड़ा सा आराम दे सकता है, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द में आराम ही नहीं होगा और फिर वैसी कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसे कई केसेस आता है जिसमें शुरुआती दौर में तो आराम मिलता है फिर बढ़ता ही जाता है प्रॉब्लम। तो वहाँ पे क्या सजेशन किया उन्होंने, कारण क्या हो सकता है? एक तो जो आपने केस्टेकिंग करके दिया है वो पैलिएटिव काम कर रहा है, मतलब सप्रेसिव के तरह काम करता है, परफेक्टली क्योर नहीं कर पाता क्योंकि वो परफेक्टली सिमिलर नहीं है। जो आपने केस्टेकिंग करके दिया है वो 100% सिमिलर नहीं है, जिसको सिमिलिमम बोलते हैं, नियरली इक्वल टू सिमिलर है, बीमारी का और दवा के बीच जो सिम्टम सिमिलरिटी रहनी चाहिए वो लगभग सिमिलर है, पूरा सिमिलर नहीं है। तो वहाँ पर गलती हुई। या फिर और एक काज हो सकता है कि बीमारी जिसके लिए आपने दिया है वो इनक्योरेबल है, दूसरा ये कारण है कि वो इनक्योरेबल है, इसीलिए आपका दवा उसको परफेक्टली क्योर नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों अनफेवरेबल सिचुएशन है प्रोग्नोसिस का। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है कि फिर से उसको बुला के और एक बार अच्छी तरह केस्टेकिंग करके एक सिमिलर रेमेडी सिलेक्शन करके देना है और उसको प्रॉपर पोटेंसी में भी देना है। ठीक है, लोअर पोटेंसी के बाद हायर पोटेंसी, 30 के बाद 200 जैसे मैंने बोला है उस तरह से देना है। अगर आप देखिए कि फिर से केस्टेकिंग करने के बाद बेस्ट सिमिलर जो मेडिसिन है सिमिलिमम देने के बाद भी उसको प्रॉब्लम वैसा ही रहा तो उसका डिजीज परफेक्टली इनक्योरेबल है, तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो बीमारी क्योर नहीं हो सकती, उसको आप बाद में सर्जिकल जो इंटरवेंशन के लिए आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी के साथ मैनेजमेंट आपका परफेक्ट रहेगा, बीमारी का जो लक्षण है वो जाएगा, लेकिन रूट आउट करने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है। जैसे कि गल स्टोन में भी वही प्रॉब्लम आता है, गल बडर में अगर स्टोन है तो कंडीशन में सिम्टम से तो राहत मिलता है, जो जो उसके प्रॉब्लम है, पेट दर्द होना या फिर उसको खटी डकार आना, पित्त की उल्टी होना, ये सब में तो आराम मिल जाता है, लेकिन वो स्टोन निकलता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, सर्जरी के सहायता लेना पड़ता है, लेकिन सिम्टम्स के रहते हुए, मतलब सर्जरी से पहले और बाद में भी आपको होम्योपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो परफेक्टली क्योर होगा और उसका जो साइड इफेक्ट है सर्जरी के बाद वो भी सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से ही दूर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जहन में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है कि एमोलिरेशन कम्स फास्ट एग्रावेशन आफ्टरवर्ड्स, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करने जाएंगे या फिर एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे हर एक वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरे तीनों चैनल्स, डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी जो पुराना है, दो नए चैनल हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल ये वाला, और एक है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम एक एक क्लिनिकल टिप्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।